नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है रियलमी बर्ड्स वायरलेस 2। दोस्तों इसे मैंने परचेस किया है फ्लिपकार्ट से 1999 में और इसमें आपको मिलता है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, जो नॉइस है 25 डेसिबल तक रिड्यूस कर सकता है। इसके अलावा आपको इसमें मिलता है एलडैक सपोर्ट, जिसके जरिए आप हाई डेफिनेशन में साउंड यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे और कई सारे फीचर्स है जैसे गूगल फास्ट पेयर, क्विक स्विच, और यहाँ पे बैक में अगर आप देखोगे बॉक्स के बैक में तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन सोनी एलडैक हाई रेजोल्यूशन ऑडियो। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मिनट्स चार्ज फॉर 12 आवर्स प्लेबैक, मतलब अगर आप 10 मिनट के लिए चार्ज करते हो तो आप 12 घंटे तक इसे प्ले कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पूरा टाइम मतलब 22 घंटे तक टोटल प्लेबैक टाइम है 22 घंटे, तो आपको 22 घंटे तक प्ले करना है तो आपको इसे 50 मिनट तक चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे सुपर लो लेटेंसी है 88 मिलीसेकंड, तो इसमें आपको गेम मोड भी मिल जाता है जिसके जरिए लेटेंसी काफी कम हो जाती है 88 मिलीसेकंड तक। तो यहाँ पे दोस्तों इसके अलावा बात करेंगे तो यहाँ पे होता है मैग्नेटिक फीचर होता है इसमें, जिसके जरिए ये अब ऑफ मोड में है। जैसे आप इसे ओपन करोगे, दूर करोगे एक दूसरे से, तब ये ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप फिर उसके बाद यहां से पेयर कर सकते हो किसी भी डिवाइस में। अब ये ऑफ हो चुके हैं। अगर आप ऐसे कंडीशन में रखोगे 10 मिनट तक, अगर आपके ईयरफोन्स में कुछ भी प्ले नहीं होगा तो ये अपने आप ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको लाइट मिलती है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है यहाँ पे लाइट होती है और ये ब्लिंक करती है ग्रीन जब ये पेयरिंग मोड में होती है, और ये रेड रेड होती है जब आप इसे चार्ज करते हो, और जब फुली चार्ज हो जाता है ये ईयरफोन तब ये ग्रीन हो जाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ बटन्स मिलती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बटन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे प्लस बटन, जिसके जरिए आप वॉल्यूम को अप कर सकते हो। फिर यहाँ पे मल्टी फंक्शन बटन, जिसके जरिए आप यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस कर सकते हो। सिंगल प्रेस के लिए, मतलब जो सॉन्ग आप सुन रहे हो सिंगल प्रेस करोगे तो पॉज हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, डबल प्रेस में नेक्स्ट सॉन्ग, ट्रिपल प्रेस में प्रीवियस सॉन्ग, इस तरीके से। फिर होता है यहाँ पे माइनस का साइन, मतलब आप जो वॉल्यूम है उसे डाउन कर सकते हो। फिर यहाँ पे है ANC बटन, नॉइस कैंसिलेशन की बटन, इसके जरिए आप स्विच कर सकते हो ट्रांसपेरेंसी मोड में और ANC मोड में। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि आप जो बाहर की जो साउंड है वो भी सुन सकते हो, बाहर क्या हो रहा है, और ANC का मतलब होता है कि बाहर की आवाज जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, तो दोनों के बीच में आप यहाँ पे स्विच कर सकते हो। फिर अगर आप यहाँ पे इस बटन पे डबल प्रेस करोगे तो यहाँ पे लास्ट टाइम जो आपने कनेक्ट किया था आपका डिवाइस उससे कनेक्ट हो जाएगा, मतलब क्विकली स्विच हो जाएगा फोन, एक फोन से दूसरे फोन में आपका ईयरफोन कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर आप यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो गेम मोड ऑन हो जाता है, जिसके जरिए लेटेंसी काफी कम हो जाती है। तो जब भी आप गेम करोगे तब आपको यहाँ पे इसे लॉन्ग टैप करना है, लॉन्ग प्रेस करना है, तब जाके आप गेमिंग मोड में एंटर कर सकते हो। अगर आपको गेमिंग मोड ऑफ करना है तो वापस इस पे आपको लॉन्ग टैप करना है। अगर आपको फैक्ट्री रिसेट करना हुआ इस ईयरफोन को तो आपको माइनस और प्लस दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना है 5 सेकंड्स के लिए। जो सेटिंग्स होगी, जो भी सेटिंग्स आपने की होगी, वो सभी यहाँ पे रिसेट हो जाएगी इस ईयरफोन की, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बात करते अब, ये है चार्जिंग पोर्ट, इसके साथ आपको मिलता है ये केबल टाइप सी पोर्ट, आप यहाँ पे चार्जिंग कर सकते हो। और चार्जिंग करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया 10 मिनट के लिए चार्ज करोगे तो 12 घंटे तक, और 50 मिनट तक चार्ज करोगे तो आपको 22 घंटे तक यहाँ पे प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। और यहाँ पे रियलमी की ब्रांडिंग, और यहाँ पे लिखा होता है कि ये कौन से ईयर का है, तो यहाँ पे लिखा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है L, मतलब ये लेफ्ट साइड वाला है और ये राइट साइड वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे पेयरिंग करने के लिए हम यहाँ पे इससे पेयरिंग करेंगे, क्या क्या सेटिंग्स आपको मिल जाएगी वो भी देखेंगे, किस तरह से आप LDAC इसमें ऑन कर सकते हो दोस्तों। तो अब हम इसे करेंगे पेयर अपने डिवाइस के साथ, क्या क्या सेटिंग्स और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो भी देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको इस ईयरफोन में मिलता है गूगल फास्ट पेयर का फीचर, इसका मतलब होता है कि आप अपने एंड्रॉइड फोन में अगर ब्लूटूथ ऑन भी नहीं करोगे ना, फिर भी यहाँ पे इसका ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं इसे अब अलग करूंगा तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो पॉपअप आएगा आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना है, इसे पेयरिंग मोड में ऑन करना है। पेयरिंग मोड में ऑन करने के लिए जो बीच वाली बटन होती है सर्कल वाली, आपको उस पर लॉन्ग टैप करके रखना है 3 सेकंड्स के लिए। फिर यहां पे ग्रीन लाइट फ्लैश होगी, तो ग्रीन लाइट फ्लैश हो रही है। अब यहां पे आप देखोगे यहां पे पॉपअप आ जाएगा इस ईयरफोन का, तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो मैंने यहां पे ब्लूटूथ को ऑन नहीं किया है, ठीक है, ब्लूटूथ ऑफ है यहां पे, फिर भी मैं यहां पे इसे स्कैन करके आप कनेक्ट कर सकता हूं। तो इसे कहते हैं गूगल फास्ट पेयर। तो इसके बाद ब्लूटूथ यहाँ पे अपने आप ऑन हो जाएगा, और फिर यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे करना है डन, तो आपको यहाँ पे चेक करते रहना है।
यहां पे लिखा गया है डिवाइस कनेक्टेड, फिर आपको यहां पे करना है डन, डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। अब हम देखेंगे आपको यहां पे इसकी सेटिंग्स कैसे मिल जाती है। तो जैसे आप यहां पे जाओगे ब्लूटूथ की सेटिंग्स में, आपको यहां पे मिलेगा रियलमी बड्स वायरलेस, ठीक है, आपको इस सेटिंग्स पे टैप करना है और फिर यहां पे आपको मतलब कॉल के लिए ऑडियो के लिए आप इसे इनेबल डिसेबल कर सकते हो। इसके नीचे होता है एलडैक, तो आप यहां से एलडैक को इनेबल कर सकते हो। तो अगर आपको एलडैक को इनेबल करना हो तो आपको इस तरीके से यहां पे इनेबल करना है। तो इसके बाद आपका म्यूजिक एक्सपीरियंस और काफी बेहतर हो जाएगा एलडैक को इनेबल करने के बाद। लेकिन दोस्तों अगर आप गेम मोड का यूज करते हो तो आपको एलडैक को ऑफ करना पड़ेगा, तब जाके आप जो गेम मोड है उसे यूज कर पाओगे। तो यहां पे जो बटन है नॉइस कैंसिलेशन वाली, आपको उस पर लॉन्ग टैप करके रखना पड़ता है, उसके बाद आप जो गेम मोड में एंटर कर सकते हो। अब यहां पे अगर आपको और ज्यादा सेटिंग्स इसकी चाहिए और आप अच्छे से इसे कस्टमाइज करना चाहते हो बटन्स को, साउंड्स को, तो आप ऐसा कर सकते हो। आपको यहां पे एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा Realme Link, ठीक है, तो आप यहां पे Realme Link डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन में। और यहां पे ये यह हो चुका है डाउनलोड और आपको इसे करना है ओपन। ओपन करने के बाद आपको यहां पे सबसे पहले आपका अकाउंट यहां पे क्रिएट करना पड़ेगा, आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करके, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पे प्लस के साइन पे टैप करना पड़ेगा और आपके यहां पे जो वायरलेस होगा वो यहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहां पे देख सकते हो रियलमी बड्स, आपको इस पे टैप करना है, पेयर करना है। और पेयर करने पे अगर पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है, पिन ये शायद 000 हो सकता है, फिर 1234, तो हम यहाँ पे 1234 ट्राई करेंगे। ये हमेशा के लिए नहीं पूछा जाता, कभी कभी पूछा जाता है। तो यहाँ पे बैक आने पर आपको मिलेगा यहाँ पे Realme Buds Wireless 2, आपको इसे यहाँ पे ओपन करना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलेगा इसकी बैटरी परसेंट कितनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे होता है नॉइस कंट्रोल, तो यहाँ पे तीन टाइप के होते हैं। एक होता है नॉइस कैंसिलेशन, मतलब जब आप एक्टिव करते हो तो इससे क्या होता है बैकग्राउंड जो नॉइस होता है पूरा ब्लॉक हो जाता है, 25 डेसिबल तक यहाँ पे नॉइस कम हो जाता है। फिर होता है नॉर्मल, जैसे हम नॉर्मल हेडफोन यूज करते हैं जिसमें ANC नहीं होता, नॉइस कैंसिलेशन नहीं होता, तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। और फिर होता है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मोड, जब भी आप इसे ऑन करोगे बैकग्राउंड का जो नॉइस होगा आपको क्लियरली सुनाई देगा। तो मतलब ईयरफोन पहनने के बाद आपको जो आपके आसपास में जो हो रहा है, जो भी कुछ बातें हो रही है, आपको यहाँ पे सुनाई देगी और जो आप सॉन्ग सुन रहे हो वो भी सुनाई देगा, मतलब हाफ हाफ 50-50, ठीक है। तो इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। तो ये आप यहाँ पे तीन तरीके से यहाँ पे स्विच कर सकते हो और जब भी आप स्विच करोगे आपको हेडफोन में सुनाया जाएगा कि अब नॉइस कैंसिलेशन एक्टिव हो चुका है, नॉर्मल एक्टिव हो चुका है या फिर ट्रांसपेरेंसी। इसके अलावा यहाँ पे होता है मोड स्विचिंग। मोड स्विचिंग का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ये जो बटन है अगर आप इस पे एक बार टैप करोगे ना, तो यहाँ पे टैप कर दिया मैंने, तो अब अगर ये देख सकते हो आप यहाँ पे अभी ट्रांसपेरेंसी में आ चुका है। अगर मैं एक बार और टैप करूंगा, प्रेस करूंगा, तो ये नॉइस कैंसिलेशन में आ चुका है। इस तरीके से आप यहाँ पे स्विच कर सकते हो ट्रांसपेरेंसी नॉइस कैंसिलेशन, ठीक है, वन प्रेस करने पर आप इस तरीके से स्विच कर सकते हो मोड के बीच में। फिर यहाँ पे होता है साउंड इफेक्ट का ऑप्शन। यहाँ पे आपको तीन टाइप के जो इक्वलाइजर है या साउंड इफेक्ट है मिल जाते हैं। पहला होता है बेस बूस्ट प्लस, जिसमें बेस आपको और ज्यादा मिलता है, होता है डायनामिक और होता है ब्राइट। इसके अलावा यहाँ पे होता है वॉल्यूम एनहांसर। वॉल्यूम एनहांसर का मतलब ये होता है कि अगर मान लो आपके डिवाइस में साउंड कम है, आपके हेडफोन में आपको साउंड कम सुनाई दे रहा है क्योंकि आपके फोन में जो वॉल्यूम लेवल है कम रखा गया है, लेकिन अगर आप उसे यहाँ पे इनेबल करते हो ना, तो आपका जो वॉल्यूम लेवल है वो भी बढ़ जाएगा और ज्यादा हो जाएगा, तो आप इसे ऑन कर सकते हो अगर आपके डिवाइस में आपके फोन में वॉल्यूम लेवल कम हो तो, ठीक है। और फिर होता है यहाँ पे मोड, जिसमें होता है गेम मोड, तो आप गेम मोड में एंटर कर सकते हो जिससे जो लेटेंसी होती है कम हो जाती है और ये काफी अच्छा होता है गेम मोड का ऑन करना गेमिंग के दौरान, क्योंकि फिर आप फायर करोगे और उसके 2 सेकंड के बाद आपको गोली की आवाज सुनाई देगी, तो उससे अच्छा है कि गेम मोड को ऑन ही कर लो, ये तो बहुत सारी लेटेंसी आपको देखने मिलेगी। तो आपको गेम मोड को ऑन कैसे करना है, आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है, ठीक है, इस नॉइस कैंसिलेशन बटन पे लॉन्ग प्रेस करिए बटन पे और आप यहाँ पे देखोगे गेम मोड ऑन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हुआ नहीं, ये क्यों हुआ नहीं, क्योंकि हमने क्या किया है एलडैक को ऑन किया है। तो आपको क्या करना है, एलडैक को ऑफ करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एलडैक अगर आप ऑन रखोगे ना तो गेम मोड ऑन नहीं होगा, ठीक है, तो हमने अब एलडैक को ऑफ कर दिया है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं अगर लॉन्ग टैप करूंगा, लॉन्ग प्रेस करूंगा इस बटन पे, तो यहाँ पे गेम मोड ऑन हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे गेम मोड ऑन हो चुका है। और अगर मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा तो गेम मोड ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लॉन्ग प्रेस करके इस बटन पे गेम मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद होता है यहाँ पे ऑटो आंसर। ऑटो आंसर का मतलब होता है कि अगर आपने मान लो आपको कॉल आया, ठीक है, अगर आप सेपरेट करोगे इस तरीके से इनको, तो आप ऑटोमेटिकली जो
कॉल से उन्हें आंसर कर सकते हो, ठीक है, मतलब अपने आप यहाँ पे कॉल पिकअप हो जाएंगे जैसे आप इन्हें अलग करोगे। तो दोस्तों फिर होता है यहाँ पे बटन सेटिंग, जिससे आप जो बटन से इन्हें कस्टमाइज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो सिंगल टैप के लिए, ये जो सिंगल टैप है ये वाला मल्टी फंक्शन बटन, ठीक है, इसमें अगर आप यहाँ पे सिंगल टैप करोगे बीच में सर्कल जो दिखाई दे रहा है प्ले होगा पॉज होगा, ठीक है, डबल टैप करोगे तो नेक्स्ट ट्रैक होगा, ट्रिपल टैप करोगे तो प्रीवियस ट्रैक होगा, और टच एंड होल्ड करोगे तो वॉइस असिस्टेंट यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। लेकिन आप इसे चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, किसी भी बटन को आपको कोई भी एक्शन आप यहाँ पे करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे करूंगा लॉन्ग टैप इस बटन पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बिक्सबी है सैमसंग में, तो यहाँ पे बिक्सबी ऑन हो चुकी है, ठीक है। फिर यहाँ पे होता है नॉइस कैंसिलेशन बटन सेटिंग, जिसमें होता है सिंगल टैप, अगर आप यहाँ पे इस बटन पे सिंगल टैप करोगे तो मोड में स्विच होगा नॉइस कैंसिलेशन के बीच में और ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच में, और होता है डबल टैप करोगे तो स्विच डिवाइस होगा। लेकिन आप इसे गेम मोड भी ऑन कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि इसे डबल प्रेस करने पर मुझे गेम मोड चाहिए तो आप गेम मोड यहाँ पे सेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है, आप डबल प्रेस करोगे तो स्विच होगा डिवाइस के बीच में, और बाद में यहाँ पे ट्रिपल टैप, तो ट्रिपल टैप करने पर यहाँ पे ऑफ हो जाता है, इसमें कोई नहीं है, और टच एंड होल्ड करोगे तो यहाँ पे गेम मोड में आप चले जाते हो, जैसे आपको मैंने बताया था। दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से एक्चुअली में जो क्विक स्विच है वो फीचर काम करता है। क्विक स्विच का मतलब है कि आप दोनों डिवाइस के बीच में क्विकली स्विच कर सकते हो ईयरफोन को, ठीक है। अभी यहाँ पे इसमें कनेक्टेड है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे इस बटन पे डबल प्रेस करूंगा तो यहाँ पे जो ईयरफोन्स होंगे मेरे यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा इस फोन में, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अभी ये इस फोन में कनेक्टेड है मेरे ईयरफोन्स, ठीक है, यहाँ पे कनेक्टेड नहीं, यहाँ पे अगर ब्लूटूथ को ऑन रखा हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पे मैं डबल प्रेस करूंगा तो यहाँ से स्विच होकर ये यहाँ पे ऑन हो जाएंगे। आप यहाँ पे देखना, डबल प्रेस कर दिया मैंने, यहाँ पे ऑफ हो चुके हैं, ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। अभी यहाँ पे आप देखोगे आपको नाम दिखाई दे रहा है रियलमी बर्ड्स वायरलेस 2, ठीक है, यहां पे आ चुके हैं। अब मुझे यहां से इसे यहां पे स्विच करना है, तो वापस डबल प्रेस करिए, अब यहां पे ये ऑफ हो चुका है, यहां से अब यहां पे आएगा, यहां पे नाम देखोगे आप, यहां पे नाम दिखाई देगा आपको Realme Buds Wireless 2, यहां पे आ चुका है। इस तरीके से आप यहां पे क्विकली स्विच कर सकते हो दोनों डिवाइस के बीच में डबल प्रेस करने पे इस बटन पे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप Realme Buds Wireless 2 को सेटअप कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या क्या फीचर्स और Realme Link ऐप में क्या क्या सेटिंग्स मिलती है आप उसको भी यहाँ पे एडिट कस्टमाइज कर सकते हो। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।